उत्तर प्रदेश में 7 चरण के मतदान संपूर्ण हो चुके हैं। 10 मार्च को यूपी इलेक्शन का परिणाम आने वाला है। लखनऊ के रमाबाई मैदान में मतगणना होगी और ये परिणाम आएगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बने। लेकिन उससे पहले बरेली की घटना भी सामने आई, जहां पर कूड़े के गाड़ी में 3 बॉक्स में बैलेट पेपर बरामद किए गए, जिसमें स्थानीय नेताओं ने और उम्मीदवारों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। इन सबके बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस रातों रात बुला डाली और एग्जिट पोल पर सवाल खड़े कर दिए। कई तरह के आरोप उन्होंने प्रशासन पर लगाए और ये भी कहा कि सच्चे पत्रकार और सच्चे प्रशासनिक अधिकारी इन सबको गंभीरता से ले और 10 मार्च को किसी भी तरह की बेईमानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखें। आइए रुक करते हैं अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओर, जहां पर मौजूद रहे पिछड़ों के नेता ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने पत्रकारों से वार्ता में सवालों के जवाब दिए। आइए डालते हैं एक नजर। अचानक आपको बुलाना पड़ गया और ये जानकारी हमारे लोगों को भी नहीं थी। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ईवीएम पकड़ी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में ईवीएम पकड़ी गई है। दूसरी गाड़ी वहाँ पे है, दूसरी गाड़ी वहाँ पे आगे आगे। आप सबका धन्यवाद देता हूँ, अचानक आपको बुलाना पड़ गया और ये जानकारी हमारे लोगों को भी नहीं थी कि इस तरह की बात होगी। हालांकि ये सूचना मिल रही थी कि लखनऊ से जो मुख्यमंत्री उनके सबसे बड़े अधिकारी हैं और प्रमुख सचिव का जगह जगह फोन जा रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो करिए। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डीएम्स को फोन कर रहे हैं कि जहां बीजेपी हारे वहां पर काउंटिंग स्लो होनी चाहिए। और यही नहीं, अगर हम पिछला चुनाव देखें तो जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, 47 सीटें ऐसी हैं जो 5000 के अंदर कम वोट में हुई हैं। जहां पर 5000 वोट के कम फासले से भारतीय जनता पार्टी जीती है। और जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, लाइव है, अभी भी हम लाइव देख सकते हैं, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही है? और ईवीएम्स के बारे में ये मानना है कि किसी भी वेयर हाउस में रखी हो या किसी भी स्ट्रांग रूम में रखी हो, तो बिना प्रत्याशी के जानकारी के आप मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम्स को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। और सोचिए, मुख्यमंत्री आवास से प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री जगह जगह फोन कर रहे हो और डीएम्स को बता रहे हो। ये घबरा गए उसी दिन जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि कहीं पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। और आप में से वो लोग हैं जो जमीन पर घूमे, जो जमीन पर चुनाव चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, जनता के अंदर नाराजगी थी। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जिससे वो चोरी भी करें अगर,
वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। इसीलिए अगर हमने वोट दिया है, अगर हमने वोट दिया है, तो मैं अपने नौजवानों से, किसानों से और आम लोगों कहूंगा कि उतनी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वोट को हम बचाएं। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है, इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। इसलिए मैं अपने पार्टी के लोगों से और जो सच्चे ईमानदार, सच्चे सिपाही हों, सच्चे अधिकारी हों, सच्चे पत्रकार हों, कम से कम आगे आए और लोकतंत्र को बचाने के लिए खड़ा हों। और मैं अपनी पार्टी के लोगों से कहूंगा कि जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो दल हार गया अब उसके बस में यही है जो अब करने जा रहे हैं। ये जितने कुछ एग्जिट पोल हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि अगर वो चोरी भी करें तो शायद नजर ना आए। अब ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, बहाना कोई ना कोई अधिकारी बताएंगे कि हम ईवीएम्स इसलिए ले जा रहे थे। आखिरकार फोर्स के साथ क्यों नहीं ईवीएम्स जा रही थी? ये तो ईवीएम की एक बनारस की जो अभी भी लाइव चल रहा है वो घटना है। बरेली में एक स्ट्रांग रूम से बाहर नगर पालिका की कचड़े की गाड़ी में, जिसका नंबर UP25DT9166, में 3 बक्से सील पकड़े गए, जो सील बक्से थे। एक बक्से में सादा बैलेट पेपर था तथा 2 बक्से में मोहरें, रजिस्टर तथा सील करने वाला सामान था। करीबन 500 बैलेट पेपर पकड़े गए। इसी तरह सोनभद्र का है कि सोनभद्र में भी बड़े पैमाने पे चीजें पकड़ी गई, वो भी लोग समझ में आ गया तो उन्होंने देखा, एसडीएम को रोका। एसडीएम घोरावल जनपद सोनभद्र में खाली मत पर अपनी गाड़ी से पॉलिटेक्निक कॉलेज ले जाते हुए पकड़े गए। क्या सफाई देगी सरकार? इसीलिए मैंने कहा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, आप जानकारी कर लें, अगर आपके डीएम्स कोई जानकार हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वहां से, लखनऊ से फोन आ रहे हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी हार रही हो वहां पर काउंटिंग स्लो हो और रात तक काउंटिंग लेकर के जाइए। तो मैंने आपसे कहा कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, इसके बाद तो जिस तरीके से आजादी के लिए लड़ाई लड़ी गई थी उसी तरह की हमें और आपको क्रांति करनी पड़ेगी। मैं तो अपने नौजवानों से अपील करूंगा कि जहां किसान इतने साल बैठे रहे तब सरकार झुकी, कम से कम 3 दिन लोकतंत्र के अखंड प्रहरी बन करके ईवीएम्स को बचाएं और चुनाव को बचाएं। मैं किसी डीएम का इसलिए नहीं मानूंगा, डीएम कौन होता है? अगर प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री फोन करेगा, डीएम क्या कर सकता है? डीएम की क्या हैसियत है? ये फिर जो प्रत्याशी लड़ने रहे थे उनको आखिरकार डीएम ने क्यों नहीं बताया? डीएम अगर ये जवाब दे रहा है तो उस डीएम से पूछिए कि डीएम ये बताओ कि तुमने जो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे उसके बारे में क्यों नहीं बताया उन प्रत्याशियों को? ये डीएम आखिरकार किसके नीचे काम कर रहे हैं? और बनारस जैसी पोस्टिंग किसी डीएम को मिली होगी, इस डीएम को मैं भी जानता हूं, जब पहली पोस्टिंग मैंने मुजफ्फरनगर दी थी। मैं नहीं जानता हूं ये डीएम कौन है, किसकी सिफारिश पर यह मुजफ्फरनगर पहली बार गया था। बेईमानी करा रहा है ये डीएम, और जवाब ये डीएम का कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं। तो आखिरकार पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी? क्या जवाब है उनके पास इसका? और जब बाकायदा गाइडलाइन लिखी हुई है यहां पर कि आप ईवीएम्स का मूवमेंट नहीं कर सकते, आप कैसे ईवीएम का मूवमेंट कर रहे हैं? आप पूछिए जिन्होंने दिया बयान। अरे भाई मैं तो कह रहा हूं किसी, आपने जो पॉलिटिकल चुनाव लड़ रहे हैं उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? और आप भी डीएम की बात को मानते हो? नहीं, मैं सर आपको वर्जन बता रहा हूं। वो वर्जन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार एक भाषा बोलेगी। नहीं,
ऊपर से नीचे तक भाषा एक बोलेगी। आप बताइए जब समाजवादी सरकार का चुनाव था, इलेक्शन कमीशन ने जो शिकायत की उस अधिकारी को हटाया गया? आज इलेक्शन कमीशन ने किसी अधिकारी को हटाया हो? एक अधिकारी अगर इलेक्शन कमीशन हटाया हो तो बता दो, मुझे कोई उम्मीद नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि लोगों को लड़ना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र बचाना है तो कहीं ना कहीं तैयारी करनी पड़ेगी लोकतंत्र बचाने के लिए। जो गाइडलाइन है आज, जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं सोनभद्र में, जो बैलेट पेपर पकड़े गए हैं आपके बरेली में, जिस तरह ईवीएम्स को लाया जाता है, ये सवाल बड़ा है। अधिकारी वही भाषा बोलेंगे जो उनको बोलने के लिए सरकार कहेगी। वो नहीं चाहते कि ओम प्रकाश राजभर जी क्या भूल गए, इलेक्शन कमीशन याद नहीं है, ओम प्रकाश राजभर जी नॉमिनेशन के लिए गए, इनको अपमानित नहीं किया गया? क्या प्रशासन कार्रवाई कर रहा था? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ क्या व्यवहार हुआ? कोई भूल जाएगा इन बातों को? और चुनाव भर में क्या भाषण थे, क्या भाषा का इस्तेमाल था, हर जगह डराने का काम जनता को। ये अलग बात है, कम से कम इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए, खुलेआम जनता देख रही है, आज के जमाने में लाइव है कि किस तरीके से ईवीएम्स को ले आया जा रहा था। चुनाव आयोग को सबसे पहले जिलाधिकारी बनारस पे कार्रवाई करनी चाहिए कि आखिरकार उसने किसी को कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं लिया? अगर मशीनें जा रही थी तो प्रत्याशियों को क्यों नहीं बताया गया, पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों नहीं जानकारी दी गई, अगर ये गाइडलाइन में है कि नहीं है इलेक्शन कमीशन के? आप ईवीएम्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा रहे हैं, आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ईवीएम लेकर जा रहे हैं, अब दो दिन की बात है, काउंटिंग होनी है। जैमर इसलिए कि कई लोग आशंका इस बात की व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जहां पर मैनिपुलेशन किया जा सके, इसलिए कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए इस बिंदु को भी। तो यही तो तरीका, जो लड़ रहे हैं उनके बेटे ही तो लड़ रहे हैं चुनाव, जहां की ईवीएम्स पकड़ी गई हैं, और भविष्यवाणी एग्जिट पोल में कैसे आ सकती है? पॉलिटिकल लीडर्स जो बातें कहें, सत्ता के लोग बैठे हुए, वो एग्जिट पोल में कैसे दिखाई दे रहा है? आपको ये देखना चाहिए जो एग्जिट पोल कर रहे हैं, क्या मुनाफे के लिए कर रहे थे? जो कंपनियां बड़ी बड़ी, सर्वे का पैसा कौन दे रहा उनको? और जो डेटा दिया है चैनलों को, फ्री दिया गया है कि उपहार में दिया गया है, वो अलग बिंदु है। कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहा है, उसका फाइनेंशियल बर्डन कौन उठा रहा है? ये तो बातें, ये सच कह रहे हैं आप जो बात, ये जो सवाल के रूप में जानकारी दे रहे हैं, ये सच्चाई है। जो आप सवाल के रूप में दे रहे हैं ये सच्चाई है। आप बताइए इनके साथ गलत व्यवहार हुआ, क्या कार्रवाई की प्रशासन ने? वीडियोज हैं सबके, जब ये नॉमिनेशन के लिए गए आप, क्या वीडियो अवेलेबल नहीं है? क्या कार्रवाई हुई उसमें? स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो अटैक हुआ उसमें क्या कार्रवाई हुई? मेरे क्षेत्र में जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने आया था उसने अपने आप अपनी गाड़ी तोड़ी, अपने आप गाड़ी तोड़ी खुद की, और आरोप लगाए समाजवादियों पर। नहीं, शांतिपूर्ण मतगणना के लिए तो हम भी अपील कर रहे हैं, लेकिन सावधान रहें, अगर वोट दिया है तो वोट को बचाएं भी तो सही। अगर ईवीएम्स खुली सड़क पे इस तरह जाएंगी, आप क्या उम्मीद करोगे? आपके वैलेट पेपर पकड़े जा रहे हैं, आपके लखनऊ में ही एक गाड़ी पकड़ी गई थी, उसके अंदर क्या क्या था? वो कहते वो तो हर गाड़ी में टूल बॉक्स होता है, तो टूल बॉक्स में इतना बड़ा हथौड़ा थोड़ी होता है कि आप ताला तोड़ दो। वोट बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमें एक अखंड प्रहरी की तरह काम करना पड़ेगा।
और अगर हमारे किसान इतने दिनों बैठ सकते हैं, अब तो 3 दिन की बात है, 3 दिन तो बैठना ही पड़ेगा, नहीं तो ये प्रशासन के लोग बैठ करके चोरी करा देंगे, और मामूली चोरी है वोट की, ये लोकतंत्र के साथ है। लोगों को ये भूलना नहीं चाहिए आपके पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। इसलिए मैं ये भी गाइडलाइन पढ़ना चाहता हूं कि जो ईवीएम के मूवमेंट के लिए जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं कि ऑल पोल्ड ईवीएम्स एंड ऑल रिजर्व ईवीएम्स आफ्टर द पोल शैल बी अंडर कवर ऑफ आर्म फोर्सेस आर्म पुलिस एट ऑल टाइम्स। रिजर्व ईवीएम शुड ऑल्सो बी रिटर्न एट द सेम टाइम वेन द पोल्ड ईवीएम्स आर रिटर्न एट द रिसेप्ट सेंटर। रिजर्व ईवीएम्स शैल नॉट बी कैप्ट इन द स्ट्रॉन्ग रूम मेंट फॉर पोल्ड ईवीएम्स, दे शैल बी कैप्ट इन अनदर स्ट्रॉन्ग रूम मेंट फॉर कीपिंग रिजर्व ईवीएम्स। इट मस्ट बी इंश्योर्ड दैट ऑल रिजर्व ईवीएम्स आर ऑल्सो डिपॉजिटेड इन द स्ट्रॉन्ग रूम मेंट फॉर रिजर्व ईवीएम्स एट द सेम टाइम वेन द पोल्ड ईवीएम्स आर डिपॉजिटेड इन द स्ट्रॉन्ग रूम मेंट फॉर द पोल्ड ईवीएम्स। तो ईवीएम्स के लिए बिल्कुल क्लियर कहा गया है कि कैसे क्या होना है, और भाई जांच भी कौन करेगा, अगर डीएम ही जांच करेगा तो क्या उम्मीद करोगे आप उसके लिए। इसके आगे जो पॉलिटिकल पार्टी हम तय करेंगे क्या करना है, अगर हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं और जो हमारे सच्चे पत्रकार सच्चे पुलिस फोर्स में लोग हैं या वो लोग हैं उनसे भी मेरी अपील होगी कि कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आए। कोर्ट से पहले मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, ऐसे तमाम लोग जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं वो कम से कम आगे आए। आपने पंचायतों का चुनाव देखा था, भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम वोट को लूटा, जनता को याद है महिलाओं के जो कपड़े फाड़े गए छीने गए, महाभारत के अलावा अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। क्या कार्रवाई की गई उस समय बताइए, इलेक्शन जो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन है शिकायतें हुई, क्या कार्रवाई हुई उनके ऊपर, क्या कार्रवाई हुई पुलिस के ऊपर, क्या कार्रवाई हुई उन लोगों जिन्होंने वोट को छीना। इसलिए मैं अपील करता हूं आपके माध्यम से जो सच्चे पत्रकार हैं सच्चे अधिकारी पुलिस फोर्स लोकतंत्र को बचाने के लोग सामने आए जिससे लोकतंत्र बचाया जा सके। मैं नौजवानों से विशेष अपील करूंगा, और इसलिए अपील करूंगा, मैंने वो तस्वीरें देखी कि नौजवान वोट डालने के लिए लोकतंत्र में कैसे निकल पड़ा। अगर उसने वोट डाला है तो कम से कम वो वोट बचाए, अपना कैसे वोट बचाएगा, गिनने से कैसे गिनती में लाएगा। और ये कोई ये मामूली घटना नहीं है, जो लोग लोकतंत्र पर भरोसा करते हैं उनके अंदर आक्रोश होगा, ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं होगा उनके अंदर। इसीलिए मैंने कहा कि 5,000 के अंतर में सीटें जो जीती गई थी भारतीय जनता पार्टी की वो 47 हैं, और मैंने इसीलिए कहा कि प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जिलाधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि काउंटिंग स्लो की जाए, और बैलेट के लिए हम लोगों ने अपने प्रत्याशियों को और जो एजेंट्स हैं हमारे इलेक्शन एजेंट उनको समझाया है कि बैलेट को किस तरीके से काउंट करना है कैसे रखे जाए, उन सबको समझाने का काम किया है। और आप में से जो लोग बनारस गए होंगे वो जानते होंगे कि बनारस साउथ समाजवादी पार्टी जीत रही है, अयोध्या समाजवादी पार्टी जीत रही है, ये घबराहट है बीजेपी को, पवन पांडे जीत रहा है ये घबराहट है, किशन दीक्षित जीत रहा है ये घबराहट है बीजेपी को। नहीं वो अलग बात है, पान भी खाया, और भाषा नहीं देखी आपने, क्या क्या प्रवक्ता की बात करते, कौन है ये चीज प्रवक्ता, कोई प्रवक्ता की बात नहीं करेंगे, क्या प्रवक्ता उठा लाए आप किसी गली मोहल्ले से, क्या प्रवक्ताओं की बात करते आप, इतने सीनियर जर्नलिस्ट बनते हो आप अपने आप को, ये मामला सीरियस है, क्या प्रवक्ता बताएगा, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं बता रहा, ये खुलेआम ईवीएम घूम रही है,
कोई आश्वासन नहीं दिया। हो सकता है हमारी प्रेस के पास शायद कुछ जागे, यूपी के हैं सब, और कहां के इलेक्शन कमीशन के लोग? रिटर्निंग ऑफिसर अब ये तो हमें भी जानना पड़ेगा कि क्या करें। इसीलिए मैंने कहा कि हम तैयारी से रहिए, ऐसे तो किसी पे कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, जिम्मेदारी तो अच्छा इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव। इतना बड़ा कमीशन हम क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है? क्यों उसको इंडिपेंडेंट बनाई गई है बॉडी? ये सब जो आपके माध्यम से हो रहा है वो सब लाइव है, जो ये चीजें हो रही है सब लाइव है, सब शिकायतें की जाएंगी, सब देंगे। अभी तो घट अभी कहो तो अभी लाइव दिखा दें। जब आपको बुलाया है, मैंने तकलीफ दी आपको, इसके बाद हम लोग अपना लिखेंगे। इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है इसके लिए। ईवीएम खुलेआम जा रही हैं, बैलेट पेपर कूड़े के डब्बे में पकड़े जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर हम बता रहे हैं आपको, एसडीएम लेकर के जा रहा है। और मैं तो कहूंगा कि चुनाव हमारे जितने भी समाजवादी लोग हैं कानून व्यवस्था को मानते हुए शांतिपूर्ण रहे, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी तो है। ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की नहीं है, सरकार की नहीं है। आप अगर पूरी सुरक्षा के साथ उन ईवीएम्स को ले जाते, जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी भी लेकर के जाते हैं, तो किसको आपत्ति थी? ये तो पकड़ी गई है। अगर चोरी पकड़ी गई है तो चोरी पकड़ी को आप कानून व्यवस्था की बात करोगे? आप तो नहीं सुनी जाएगी। तो समाजवादी पार्टी हर रास्ते को अपनाएगी जहां पर लोकतंत्र को बचाया जा सके। वो जरूरी है जहां जहां चुनाव हुए हैं, बंगाल में, तमिलनाडु में, या किसी भी प्रदेश में प्रत्याशी और उनके लोगों ने जगह जगह बैठ करके दिन रात पहरा दिया है। मैं अभी भी कह रहा हूं टारगेट हमारा फिक्स था, हमारा गठबंधन 300 के करीब पहुंच जाएगा। मुझे तो अधिकारी नहीं बताया ना, नहीं नहीं मैंने नाम लिया प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री का, जिससे मुझे जानकारी मिली उसका नाम कोई नहीं बता सकता। हाँ, मुझे इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा तो मैं नाम बताऊंगा। अरे हम सरकार चलाएं, हमें हमारे इतने भी अधिकारी नहीं होंगे, क्यों नाम बताएं चाहने वालों का? अरे तुम में चाहने वाले बैठे, किसी का नाम ले लूंगा मैं? तुम्हारे ही लोग अलग से मुझे मैसेज करते हैं नाम ले दूं? अब तुम नहीं हो हमारे दुश्मन, तो हम क्या करें तुम्हारा? अरे बहुत सारे हैं जो हमें पर्सनल मैसेज भेजते हैं, तो क्यों नाम उनके ले दूं मैं क्या? क्या चीज? अरे नए हो पत्रकार यार, बहुत सीनियर नहीं हो तुम, अपना परिचय दे दो, सब जान जाए आपको। जाने कौन सा एनबी है? इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि एग्जिट पोल है कि जो चोरी करी जाए उसको ढका जा सके। नहीं, अगर ओम प्रकाश राजभर जी से पूछना चाहो तो उनसे ही पूछ लो, केवल ईवीएम पर, क्योंकि इनकी विधानसभा का मामला है, इनकी विधानसभा का इशू है। देखिए, जैसा कि अभी हमारे एक साथी ने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जो लोग हैं, चाहे संजय चौहान जी हों, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, हम उनको जीतने नहीं देंगे। आप ही की तरफ से आया ना बात? आप ही नहीं, ये पूरे प्रदेश में गूंज रही है बात। और भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के गठबंधन से घबरा गई है, और बनारस जैसे प्रधानमंत्री जी अपनी इज्जत बचाने के लिए गली गली घूमे हैं। ये मैं कह रहा हूं, गली गली घूमे हैं, जिलेवार 75 साल की आजादी में 70 साल से उठ पड़ रहा है। पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो जिलेवार रैली किए हैं, अगर गलत कह रहा हूं तो बताओ। पहले प्रधानमंत्री हैं, और पहली बार मैं देख रहा हूं इतनी बड़ी दुश्मनी है।
मैं उसी दिन कहा था जिस दिन नामांकन के समय जिलाधिकारी और वहां के कमिश्नर की मिलीभगत से जब तीन लोगों की एंट्री है नामिनेशन कक्ष में तो सैकड़ों गुंडे वहां कैसे पहुंच गए पहले, सवाल वहीं खड़ा होता। उसी दिन मैंने कहा था आप लोगों के सामने पेश करके लखनऊ कि डीएम बनारस और कमिश्नर के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आज खुलासा हो गया, जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चाहे खाली ईवीएम हो चाहे कोई ईवीएम अगर वहां स्ट्रांग रूम से निकालना है तो वो वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना दे, तब उसके बाद वो वहां से ले जा सकता और प्रशासन की निगरानी में। और तीन तीन गाड़ियां भाग रही हैं, शायद हमारे लोग वहां नहीं होते, दो गाड़ी तो चली गई, एक गाड़ी जबरी जब खड़ा हो गया किसी तरह जान बचा के तो रोका, तुरंत उसके चारों टायर का हवा निकलवा दिया हमने, निकालो नहीं तो ये भी ढकेल के लेके चले जाएंगे। वही देखिए दिख रहा है ना, इतनी ईवीएम मशीनें कैसे वहां आई, सवाल तो इस बात का है। तो देखिए वहां के जिलाधिकारी और कमिश्नर जो वहां हैं इन पे हमारा खुद भरोसा नहीं है, और जाको राखी साइया मार सके ना कोई, बाल नबाका कर सके बैरी जग सारा हो। 10 मार्च को 10 बजे देख लीजिएगा, पहले राउंड की जब बैलेट पेपर की गिनती होगी पहले चक्र की, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन का रुझान जो आएगा वो 400 सीटों का आएगा, 400 से भी ज्यादा आ सकता है। आपके सामने 10 को देखिएगा, रुझान जो बैलेट पेपर का आएगा वो 400 से भी ज्यादा आएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी घबराहट है, वो लगे हैं कि ईवीएम से हेर फेर कर देंगे, तो हम लोग भी वहां लगे हैं ईवीएम ठीक करने में, हम लोग भी घेरी लिए हैं, नहीं देते लगे भागी गए थे। तो इनसे हम लोग डरने वाले नहीं है, हमारे गठबंधन के सभी नेता कार्यकर्ता हमारे सभी साथी लगे हैं, पूरी किलेबंदी है। जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है ये एक कदम चलते हैं तो हम 10 कदम आगे निकल के चलते हैं। हम इनको 3 साल पहले ही बता दिया कि सत्ता से बेदखल करूंगा, आप लोग भी नहीं मान रहे थे कि मान रहे थे, नहीं मान रहे थे।